एज अ मुस्लिम एज स्लेव्स ऑफ अल्लाह हमें ये देखना है कि किसी भी चीज़ में इंडल्ज होने से पहले हमें उसका थोड़ा बहुत पता करना ज़रूरी है, रूट उसकी रूट कहाँ है। अगर उसकी रूट कहीं जाके शिर्क में मिलती है तो इन शिर्क अलअज़ीम मुनाज़िम हम अल्लाह के बंदे हैं, हम तो एकदम उससे दूर हो जाएंगे। बर्थडे की जी रूट कॉज जो है वो ना इवन अहले किताब क्रिश्चियन एंड जूज पे भी नहीं जाती, उससे भी पीछे जाती है। पैगन्स जो मुशरिक लोग थे, ये मुशरिकों ने स्टार्ट की थी और इसके पीछे हिस्ट्री है। वो लोग ना जब भी विंटर आती थी ना तो दे यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट विंटर एंड दे यूज्ड टू थिंक मदर नेचर हैज़ कम टू मतलब डिस्ट्रॉय अस, और वो रात और अक्सर लोग मरते थे उसमें ठीक है एक्सट्रीम कोल्ड में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और सारा और वहां से जब वो खत्म होती थी ना वो केव्स में जाके छुप जाते थे, जब खत्म होती थी तो वो बाहर, तो वो मून की शेप का क्रिसेंट मून की शेप का वो केक लेते थे, उसमें अपनी एज का की कैंडल्स लगाते थे और उनको ब्लो यानी उनको चलाते थे और फिर उसको ब्लो करते थे कि वी हैव डिफाइड नेचर। अच्छा इसी के अंदर यहां पे वो गॉडेस भी आती है जो मैं मेंशन करने लगा था कि गॉडेस ऑफ मून, मून गॉडेस जिसका नाम आर्टेमिस था, उसको खुश करने के लिए यानी यहाँ पे जाके बर्थडे के ऊपर जो कैंडल लगा के गॉड ऑफ फायर शी वाज गॉड ऑफ मून एक्चुअली मून गॉडेस थी बहरहाल उसको खुश करने के लिए इनका एक बना हुआ था रिचुअल कैंडल ब्लो करना है और जो शख्स ज्यादा से ज्यादा कैंडल एक में ब्लो करता था ना जो आजकल आप देखते हैं हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ब्लो करनी है विश पूरी करनी है। We have to know its origin really literally goes back to shirk actually. अच्छा इवन जो जो मुसलमान कैंडल्स ना भी ब्लो करें ना यानी यू आर फॉलोइंग पैगन्स का एक फेस्टिवल जो कि वो मनाते थे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस कम है यार आप वैसे पार्टी थ्रो कर दो यार फॉर दैट व्हाई डू यू नीड अ बर्थडे अ डेट टू थ्रो अ पार्टी मैन एक और मकसद क्या मकसद फन है ना मकसद अगर तू बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो फिर तो नहीं होगी अगर फन है ना तो केक तो वैसे भी किसी दिन भी खाया जा सकता है और खाया जाएगा वो मुंह पे नहीं लगाया जाएगा रिस्क है रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए मतलब आपने मुंह पे लगाया तो ना केक के भी हक में मतलब मैं कहता हूं पिज्जा लाएं पिज्जा काट लें काटना भी जरूरी नहीं है मतलब सबके स्लाइस करें सबको खिलाएं मतलब मैं हम लोग ना हर फ्राइडे फ्राइडे ब्रो बर्थडेज मनाते हैं ये मैं आपको बताता हूं मैं बच्चों को हर फ्राइडे को जुमे के बाद ठीक है सर्दियों में जब अच्छी धूप होती थी पार्क में ले जाता था और हम बिरयानी वाले घर से बना के फ्राइडे इज आल्सो वन ऑफ ईद ईद यस यानी आप उनको वो सेलिब्रेशन इतनी ज्यादा करवा दें साल पूरे साल कि उनको फील ही ना हो। आपने जो बात की है उसको समराइज यूं किया जा सकता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं फैमिली में कि आपने करना ही है कुछ और कहीं जाना ही है नहीं तो बड़ा फितना क्रिएट हो जाएगा तो यस दीज कंडीशंस यू कैन ट्राई आप हिजरी कैलेंडर पे ले आएं इससे एक तो ये फैमिली वालों को पता चलेगा यार ये भी ये डेट थी असल में तो तुम्हारी पैदाइश की और आप और कोई चीज़ें लाएँ अच्छी अच्छी चीज़ें पिज्ज़ा ले आएँ और डोंट ब्लो कैंडल्स क्योंकि उसका शिर्क के साथ ताल्लुक बनता है तो क्या करें आप बेसिकली ऑल्टरनेट दें अपने बच्चों को जी ठीक है और अल्टरनेट क्या है वो आप अल्टरनेट में मैं ये सजेस्ट करता हूँ क्योंकि हम यूरोप में भी रहे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड था इधर से उधर से बर्थडे की इनविटेशन आ रही है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब ये चल रहा होता है बच्चों के लिए ना एक वो पीयर प्रेशर भी बन जाता है कि हम क्यों नहीं कर रहे वो तो करते हैं और क्यों नहीं कर रहे वैसे भी बड़ों के लिए समझना आसान होता है बच्चों के लिए समझना मुश्किल होता है दे फील डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग या वो एहसास कम तरी तो देर आर सो मैनी ऑल्टरनेटिव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वल्लाही यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग गुड आप मिसाल के तौर पर हम ये करते हैं हमने एक साल में एक सेलिब्रेशन करनी होती है ना इधर से भी इन्विटेशन आ रही थी मेरे बच्चों को उधर से भी तो वो हमें हर दफ़ा समझाना पड़ता है सबसे पहले तो समझाएं बच्चों को सही बात और आप देखेंगे कि जब आप अल्लाह का रेफरेंस देखकर सही बात समझाते हैं बच्चे समझते हैं कॉम्प्लाई करते हैं दूसरा आप अल्टरनेटिवली जैसे हमने हर साल बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो हमने नेक्स्ट क्लास में जाना जो कि वाकई उसने कुछ अचीव किया है उसमें बर्थडे में तो आपने एक साल गवाया है तो हम नई क्लास में जाने को प्रॉपर बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में हम कहते हैं जी आपकी पार्टी है माशाल्लाह आपने एग्ज़ाम दिया आप नई क्लास में गए हैं सबको हम बुलाते हैं कजन्स को दोस्तों को गिफ्ट्स भी मिलते हैं एक अच्छा पार्टी का हलाल पार्टी हम करते हैं When something evil is replaced by something positive ना तभी उसका मज़ा आता yes. है यानी मैं आपको बताऊँ आप अगर इस्लामिक इवेंट्स इंजॉय करना शुरू कर दें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बर्थडेज की न्यू ईयर्स की हैलोवींस की और इन चीज़ों की आप जरा शुरू कर दें आप अकीका सेलिब्रेट करें आप ईदयान को ग्रैंड सेलिब्रेट करें आप औलाद की पैदाइश को सेलिब्रेट करें आप शादी निकाह को सेलिब्रेट करें तो अकीके पे आप अगर बेटा तो दो बकरे जैसे हैं और बेटी तो एक बकरा है आप अपने पूरे खानदान को बुलाएं घर पे ऐसे ही आप बारबेक्यू करें आप गरीबों को बुलाएं वी बिलीव
कि जो अल्लाह ने नाजिल की शरीयत, वी आर हैप्पी विद इट, ना कि मेरी अपनी चॉइसेस, एंड वी आर हैप्पी विद अल्लाह बीइंग आवर रब. सो जब मैंने कबूल किया है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये फ्रेम है और मैं, अल्लाह ने मेरा दीन किया, तो फिर व्हाई आई एम बीइंग अपोलोजेटिक.